बात की सच्चाई तो यही है कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते, या दूसरे शब्दों में आप एक अनंत गहराई वाले कुएं में कूद रहे हैं। डर की वजह मृत्यु नहीं है, डर यह है कि आप मृत्यु को समझ नहीं पाते। मृत्यु जीवन का एक दूसरा आयाम है, एक ऐसा आयाम जो आपके अनुभव में नहीं है। प्रणाम सतगुरु। कहा जाता है कि मृत्यु का डर सभी डरों की जननी है। ऐसा क्यों है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है? सही है। देखिए, दिन के उजाले में जब आप साफ साफ देख पाते हैं, अगर मैं आपको उस पेड़ से इस पेड़ तक चलने के लिए कहूं तो आप बिना डरे चलेंगे? देर रात मान लीजिए हम सभी लाइटें बंद कर दें और अमावस्या से सिर्फ एक दिन पहले की एक अंधेरी रात हो, अगर मैं आपको वहां से यहां तक चलने के लिए कहूं तो शायद डर होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख नहीं पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि आप अगला कदम कहां बढ़ा रहे हैं, तभी डर होगा। डर रात की वजह से नहीं है, डर रोशनी की कमी की वजह से है। क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आपकी आंखें किसी काम की नहीं होंगी, इसीलिए अचानक डर होगा। क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि अगला कदम कहां जाएगा। अगर मृत्यु की बात हो, वैसे ये जीने और मरने के लिए एक अच्छा दिन है, पर अगर बात मौत की हो तो आपने चाहे जितनी भी चीजों से खुद को मूर्ख बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मौत पर कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी बातें सुनी हैं। मान लीजिए कि अगले पल मृत्यु है तो आपको उस बारे में कुछ नहीं पता होगा। इस बात की सच्चाई यही है कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता, या दूसरे शब्दों में आप एक अनंत गहराई वाले कुएं में कूद रहे हैं। आप एक ऐसे आयाम में कदम रख रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते, सूंघ या छू नहीं सकते। यानी आपके पास उसके बारे में कुछ भी जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप ऐसी चीज में कदम रख रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते, आप बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए डर है। डर की वजह मृत्यु नहीं है, डर यह है कि आप मृत्यु को समझ नहीं पाते। अब क्या इसे हम हर डर की जननी कह सकते हैं? जब हम इसे हर डर की जननी कहते हैं, मैं जानता हूं इस शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। लोग इसका उपयोग सभी युद्धों की जननी के लिए भी करते हैं। ये इसका गलत उपयोग है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई चीज हर चीज की जननी है, तो इसका मतलब हुआ कि वो चीज हर चीज का स्रोत है, हर चीज का। या इसे दूसरे शब्दों में और स्पष्ट कहें तो ये वो चीज है जिससे बाकी सब कुछ पैदा हुआ है। तो क्या मृत्यु या मृत्यु का भय हर भय की मां है? क्या यह हर दूसरे डर को जन्म देता है? यह मृत्यु का डर नहीं है,
It's the unknown. ये अनजान चीजों का डर है, जो कुछ भी आप नहीं जानते, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उससे डर पैदा होता है। मृत्यु अनजान पहलुओं का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ चीजें हैं जो आप जानते हैं और कुछ नहीं जानते, पर मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते। इंसानी मन कई तरह की कल्पनाएं करने में माहिर है। यह किसी भी चीज को लेकर झूठी कल्पनाएं कर सकता है, पर मृत्यु इंसानी मन के दायरे और पहुंच से बाहर रही है। कोई इसके बारे में कुछ भी बोले, लोग गलत ही समझेंगे, क्योंकि वो इसे उस संदर्भ और आयाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वे खुद हैं। मृत्यु जीवन का दूसरा आयाम है, एक ऐसा आयाम जो आपके अनुभव में नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बस वैसी ही चीजों की कल्पना करेंगे जो आप पहले से जानते हैं। तो जब मृत्यु की बात हो तो आपको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप इसे सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं। और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। ये कुछ कम से कम इतना तो आप जानते ही हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं कि वो मौत के बाद शरीर के साथ उठ जाएंगे, पर कोई भी समझदार इंसान ये जानता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर पीछे छूट जाता है, क्योंकि शरीर आपकी संपत्ति नहीं है, यह धरती माता की संपत्ति है। अगर मरने के बाद किसी का शरीर उठ खड़ा हो तो उस पर पर्यावरण के कानूनों के तहत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी का शरीर उठ खड़ा होगा तो इस धरती का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। पृथ्वी की सामग्री को वापस पृथ्वी में जाना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक है। आज ये आदमी है, कल ये खाद होगी और अच्छी खाद होगी, फूल आएंगे, है ना, आम उगेंगे। और ये बिल्कुल ठीक होगा। कम से कम जब आप मर चुके होंगे तब आप मधुर हो सकते हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? जब मैन जाता है तो वो मैन गो हो जाता है। तो डर शरीर खोने का भी नहीं है, अगर बस आपके पास एक स्पष्ट ज्ञान या अंतर्दृष्टि होती कि आपके मरने के बाद क्या होगा, आपके मर जाने के बाद आप इसे स्वीकार कर लेते, आप ये जांच करते कि मरने के बाद रहने की जगह कैसी होगी। अगर वो यहां से थोड़ी बेहतर हो तो आप कहेंगे वहां क्यों नहीं जाएंगे, और आपको यह जांचने की जरूरत नहीं है कि वहां भारतीय भोजन है या चाइनीज भोजन, क्योंकि आप शरीर ही छोड़ देंगे, आपको भोजन की जरूरत नहीं है।
आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ भोजन कैसा है, क्योंकि आप शरीर यहीं छोड़ देंगे, भोजन आपकी समस्या नहीं होगी। आपको बस रहने की जगह थोड़ी देखनी पड़ेगी कि वहां कैसे रहेंगे और कहां रहेंगे। पर समस्या ये है कि लोग आपको कई कहानियां सुनाएंगे। पिछले 2-3 सालों में ये अमेरिका में एक चलन बन गया है। कई लोग किताबें लिख रहे हैं कि वो कैसे मरे और वापस आए। अगर वो कहते हैं मृत्यु के बाद मेरा अनुभव, तो लोग हंसेंगे। तो वो कह रहे हैं मृत्यु के पास का अनुभव। मृत्यु के पास का मतलब मृत्यु नहीं होता। हाँ, हम सब अभी मौत के पास हैं, हाँ या नहीं? मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम मृत्यु के पास हैं। जब आप जीवित होते हैं तब आप मृत्यु के निकट होते हैं। कितने पास क्या पता, शायद आज ही पहाड़ सिर पर गिर जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। पर कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक सुंदर पहाड़ है। इसमें आग और लावा निकलने की घटनाएं नहीं हुई हैं, पर मान लीजिए कि ये आज फूटना चुनता है। अब क्या करेंगे? हमें एक पहाड़ की तलहटी में रहने में मजा आ रहा था, पर अगर पहाड़ फूटने का फैसला करे तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, वो अलग बात है। पर जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, ये इतनी नाजुक प्रक्रिया है। बस सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। अगली सांस नहीं आई, पुफ, खत्म। बस इसे देखें, इतना नाजुक है, खत्म। हाँ या ना? बहुत नाजुक है। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़ा ऐसा हुआ, पुफ, खत्म। साथ ही देखें ये कितना मजबूत है। एक इंसान कितनी चीजें कर सकता है, पर कितना नाजुक भी है, उफ, और खेल खत्म। ये मत सोचिएगा कि आपको मारने के लिए सिर में गोली मारनी पड़ेगी। बहुत से लोग पानी पीते हैं और पुफ मर जाते हैं। नूडल खाते खाते वो मर जाते हैं। Yes. हाँ? Simply. लोग सोने जाते हैं और बस वो वहीं मर जाते हैं। हाँ या ना? ऐसा रोज होता है। ये मत सोचे कि हर दिन एक भूकंप आता है, एक ज्वालामुखी फूटता है, एक बम गिरता है। नहीं, बस बैठे बैठे पुफ, लोग ऐसे ही मर जाते हैं। तो हम सभी मौत के करीब हैं। पर कुछ किताबों के कारोबारी हैं जो मौत के करीब जाने के अनुभव के बारे में किताबें लिखते हैं और लाखों किताबें बेचते हैं। तो वैसे तो इस बारे में हर तरह की बातें लिखी गई हैं, पर अगले ही पल अगर आप मरने वाले हों तो आप मौत के बारे में कुछ नहीं जानते। जब आप सोचेंगे कि आप नहीं मरेंगे, तब आप हर तरह की कहानियां बनाने लगेंगे। मान लीजिए आप अगले ही पल मरने वाले हों, तो कहानियां नहीं टिकेंगी, वो गायब हो जाएंगी। तो जब वो सारी कहानियां जिन पर आप विश्वास करते थे अचानक पिघल जाती हैं, तो डर पैदा होता है, क्योंकि आप ये देख नहीं पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा। आप नहीं जानते कि मौत क्या है। तो मौत सभी डरों की मां नहीं है। आगे क्या है यह समझ ना पाना, इसी से हर डर पैदा होता है। और मृत्यु इसी अनुभव का एक तरह से सबसे बड़ा रूप है। पर आप देखेंगे कि संस्कृति में लोग किसी विशेष समय पर मरना चुनते हैं,
वो अपना समय तय करते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान के साथ मरते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की प्रकृति का एहसास हो गया है। अगर आप इसका स्वरूप जानते हैं कि ये क्या है, तो कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु एक कल्पना है। यानी क्या आप कभी मरे हैं? यहां कोई ऐसा है नहीं, मैं मृत्यु के करीब की नहीं, मैं असली मृत्यु की बात कर रहा हूं। क्या आप कभी मरे हैं? कोई है नहीं, नहीं। क्या आप किसी ऐसे से मिले हैं जो मरकर वापस आ गया हो? नहीं। क्या आपने किसी मरे हुए इंसान को देखा है? कहां? कहां? आपने मरे हुए इंसान को देखा है? कहां? नहीं नहीं, आपने लाशें देखी हैं। क्या आपने किसी मरे हुए इंसान को देखा है? नहीं, आपने केवल मृत शरीर देखा है, न कि मरा हुआ आदमी। तो आपने किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले हैं जो मरकर वापस आ गया हो, नहीं आपका अपना कोई अनुभव है। तो आपने कैसे मान लिया कि आप मरेंगे? आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि आप मरेंगे? इसीलिए जिंदा रहते हुए भी आपको इस जीवन की प्रकृति समझनी चाहिए। अगर आप इस जीवन की प्रकृति जान जाएं, अगर आप ये सोचकर यहां जी रहे हैं कि आप ये इकट्ठा किया हुआ शरीर हैं, अगर आपने पूरी तरह से खुद को शरीर मान लिया है, तो मृत्यु एक अंधेरी खाई जैसी लगेगी। अगर आपने किसी ऐसी चीज का अनुभव किया है, आपके विचारों में नहीं, आपके अनुभव में, आप शरीर से परे कुछ जानते हैं, तो शरीर से परे का आयाम डरावना नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा। वो आयाम कई मायनों में स्वागत करने योग्य होगा।